हजम करना है खाना, वो खाना खाए गाड़ी में बैठे और उसे दच के खाते खाते 15 मिनट में उसका खाना हो जाए हजम। यह तो सिद्धि करके रखी है एक तरफ, और मैंने तो पता करने की कोशिश की कि भैया मैंने कि यही काम मैं कर रही हूँ आजकल शहर में, सबसे पहले खाना पानी की आपूर्ति, और ये आपके यहाँ नहीं, आपके कुमेर से लेके ठीक से लेके वैर से लेके बयाना से लेके जहाँ मैं गई हूँ सबने मेरे को ये कहा कि शहर के अंदर या तो खाना पानी और उसकी आपूर्ति ये है क्या, मात्र आधा घंटा पानी मिलता है वो भी खा रहा, गर्मियों में कई दिन पानी मिलता ही नहीं है। ये समानानुकूल, ये करौली, यही सपोटरा, यही टोडा भीम, यही आप, यही भरत, क्या हो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर ये स्थिति बना के रखी हुई है। देखो एक तो पानी की बात है, उसके बाद सामुदायिक अस्पताल में डॉक्टर के आधे पद खाली, क्या ये सही है, चिकित्सा सुविधाएं का काम चलाओ, महिला डॉक्टर लंबे समय से पोस्ट खाली, गांव में बिजली का भारी संकट, शहर में अघोषित कटौती से परेशानी, पिछले 4 वर्ष में हलेना नदवई सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हुई, सरकारी कॉलेज की जोरदार तब से मांग है, यातायात समस्या के समाधान के लिए बाईपास बने आप लोग चाहते हो। अब ये सब पॉइंट हमने लिख दिया, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो यार। जयपुर के अंदर अब मैं प्रश्न पूछूंगी, मुझे पूछना है आपसे, किसी को ये जो जयपुर में चल रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है कि सब गांव के लोग और सब पूरा राजस्थान इससे बहुत खुश है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपको सस्ती दवाई मिल रही क्या, आपको फ्री ना आपको फ्री जांच हो रही है क्या, आपको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है क्या, आपका 50,000 रुपए मकान के लिए बीपीएल परिवार को मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है जहां मिल रहा है वहां 7-8 हजार रुपए की रिश्वत, जहां बिजली नहीं मिल रही है और जहां आपका ट्रांसफार्मर खराब हो गया और ट्रांसफार्मर 2-2 महीने के अंदर ठीक होते हैं, कहां 72 घंटे हमारे टाइम में, और अब सब 72 घंटे में मिलते थे, अब 2-2 महीने में मिलता है वो भी रिश्वत, किसानों को सही टाइम पे पानी नहीं, सही टाइम पे बिजली नहीं, सही टाइम पे खाद नहीं, और अगर यूरिया मांगा तो डीएपी, अगर डीएपी मांगा तो यूरिया, और जो बीज आता है वो नकली, और अगर वो ले जाता है फसल बेचने के लिए तो फसल के दाम 0, ये सब हो रहा है और किसान आत्महत्या की कगार में जाके खड़ा हो गया है। अगर मुसीबत होती है और आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा जैसे पाला पड़ गया या जैसे ओले पड़ गए, आपके यहाँ हुआ था, आपके यहाँ आपको मुआवजा मिला, जयपुर के अंदर यह बहुत बड़ा अखबारों के अंदर अनाउंसमेंट हो गया कि हम लोग मुआवजा दे रहे हैं किसानों को, हम उनको रियायत दे रहे हैं बिजली में, हम उनको पैसे दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं, मिला कुछ किसानों के लिए स्पेशल, किसानों के लिए स्पेशल ऋण, उसमें 1,50,000 रुपए किसी को बिना ब्याज के मिले क्या, हर चीज में नहीं बोल देते हो, हर चीज में नहीं बोल देते, अभी नौकरी खुली तो 50,000 से कम लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर नौकरी मिली, या कोई है जिसको यहाँ नौकरी मिली इस 4 साल में, अपने सरकार के टाइम में 10 लाख बच्चों को पूरे राजस्थान में, चाहे वो डॉक्टर हो टीचर हो, अलग अलग किस्म की नौकरियों के अंदर सरकारी और गैर सरकारी सबसे नौकरियां दी गई, परंतु अभी नहीं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी करीबन 2,000 पटवारी की नौकरी के लिए करीबन 11 लाख आदमियों ने आवेदन दिया, 350 आपके कर्मचारियों के लिए सचिवालय के, उसके लिए करीबन 1 लाख आदमियों ने अब
दिया। बच्चे सड़क के ऊपर पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, उनको किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, और हाथ पे हाथ रख के कौन से बच्चा रहेगा जो सड़क पे उतरता है, बदमाशी करता है, और उसकी वजह से सब लोगों को मुसीबत होती है। ये भी सब हो रहा है, अत्याचार महिलाओं के ऊपर। महिला सड़क के ऊपर आराम से सुरक्षित चल नहीं सकती है, सही बात है। आगे चलकर ये काम कर सकेंगे, और इसीलिए आज आप लोगों से पूछने आई
तो बरसात भी रुक गई। देखो बरसात भी रुक गई कि भैया खड़े रहो बात करो। हिम्मत है तो मुझे बताओ कि इस सरकार को उस कुर्सी से नीचे लाने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। हिम्मत है तो सब लोग हाथ ऊपर करके बता दो कि हिम्मत है। तो एक छोटा नारा मेरे पास, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद, इसके साथ आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। हम लोग सबको प्यार दिया और हम लोगों को साथ दिलाने का काम आप लोगों ने किया। पीछे आ जाऊँ।